सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों की सीरीज में दबंग तो सभी को याद ही है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से दबंग ने पहला बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया था, अब उसी तरीके से दबंग 3 भी रिलीज से पहले ही धमाकेदार बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुका है। जी हां, आपको बता दें कि खबर आ रही है कि दबंग 3 रिलीज से पहले ही करीब 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जी हां, खबर सोलाना सच है। जी हां, खबर आ रही है कि जिस तरीके से दबंग 3 ने रिलीज से पहले ही टीवी सेटेलाइट और ओवरसीज का मार्केट बेच दिया गया है, उसका करीब 500 करोड़ रेट लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक दबंग 3 के प्रोड्यूसर और फिल्म के डायरेक्टर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि फिल्म ने ओवरसीज का मार्केट कितने में बेचा गया है, लेकिन खबर यही आ रही है कि दबंग 3 रिलीज से पहले ही करीब 500 करोड़ का कारोबार कर चुका है। आपको बता दें कि दबंग 3 का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें सलमान खान का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और दबंग 3 20 दिसंबर से पूरे भारत में तहलका मचाने को बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान के साथ साथ प्रभु देवा और सुदीप सिंह की जोड़ी दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में गाना मुन्ना बदनाम हुआ तो दर्शकों की जुबान पर अभी से ही सर चढ़कर बोल रहा है। अब देखना होगा कि दबंग 3 रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कौन सा बड़ा धमाका करता है। रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है।